अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभणी आज तक। आज परभणी ज़िले में किस तरह के इंसिडेंट हुए, किस तरह के वाकयात हुए, किस तरह की घटना हुई है, चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों की ओर कि किस तरह से परभणी ज़िले में वाकयात हुए हैं। सैयद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिला परभणी प्लॉट विक्री शुरू है। बारिश के चलते परभणी वासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसी के चलते परभणी शहर महानगर पालिका के उपायुक्त तो रंजीत पाटिल और उसी के परभणी के उप जिला अधिकारी महेश वड़तकर ने परभणी शहर वासियों की जानिब से निवेदन दिया गया है, जिसमें परभणी शहर के जमजम कॉलोनी के एरिया में सैयद मुजम्मिल साहब और उनके साथियों ने जिस तरह से निवेदन दिया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की है कि आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से ये छोटे बच्चे ये जमजम कॉलोनी में से होते हुए गुजर रहे हैं। इन बच्चों को जिस तरह से तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। परभणी शहर में बारिश के पानी की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और यही नहीं, इसके अलावा जिस तरह से मच्छर होते हुए नज़र आ रहे हैं, मच्छरों के अलावा कीचड़ होता हुआ नज़र आ रहा है। इस कीचड़ से मुक्ति पाने के लिए परभणी शहर के जमजम कॉलोनी वासी अब परेशान हो गए हैं, और कीचड़ से मुक्ति पाने के लिए परभणी शहर महानगर पालिका को मुरुम डालने की मांग भी इन्होंने कर डाली है, और जिसमें परभणी शहर महानगर पालिका जमजम कॉलोनी, बाबर कॉलोनी, कृषि कॉलोनी और उसी के साथ में अलीबाग नगर इस एरिया के प्रभाग नंबर 23 के भावी नगर सेवक सैयद मुजम्मिल साहब और इनकी पूरी टीम ने इस वक्त परभणी महानगर पालिका के उपायुक्त रंजीत पाटिल और उसी के साथ में परभणी के उप जिलाधिकारी महेश वड़तकर इन्हें निवेदन दिया है कि हमारे एरिया में जिस तरह से बारिश की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कीचड़ हो जाने की वजह से यहाँ पर मुरुम की सख्त ज़रूरत है, और आप इस एरिया में मुरुम डालने के लिए मांग, अगर इस निवेदन पर एक्शन नहीं लिया गया तो ऐसी सूरत में जन आंदोलन करने का इशारा भी सैयद मुजम्मिल साहब इनकी जानिब से दिया गया है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया सैयद मुजम्मिल साहब और इनके साथियों ने दी है और क्या आह्वान इन्होंने किया है। टीवी जमजम कॉलोनी यहाँ पे पिछले 15 साल से काम नहीं हुआ है, यहाँ पे शासन आके देख रहे हैं, ना कोई नगर सेवक ने आके देखा। हमने आज तायुक साहब को निवेदन दिया है कि भाई वहाँ पे जो चश्मे आधा है आदमी मुरुम है वो ला के हमें दे और वो रोडों पे डाल के हमें अच्छे रास्ते करके दे। अभी परसों के दिन वहाँ पे एक पेशेंट था, डिलीवरी पेशेंट, जिसके बच्चे का इंतकाल होगा, पेट में बच्चा फिर गया था झटकों की वजह से, ऑटो ना वहाँ पर ऑटो जा रहे बरोबर, ना कोई गाड़ियाँ जा रही। आज हमें तायुक साहब ने आश्वासन दिया कि भाई जल्द से जल्द तुम्हारा काम हम करके दे देंगे। सैयद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिला परभणी प्लॉट विक्री शुरू है। परभणी जिले के सोनपेट तालुके का वाकया राष्ट्रीय महामार्ग के रास्ते पर खड्डे हो गए हैं। इन खड्डों को बुझाने के लिए लोक ओरगनी से इन पैसा जमा करके इन खड्डों को बुझाने की परमिशन का निवेदन ही सोनपेट के तहसीलदार इन्हें दिया गया है, और जिस तरह से ये मांग की गई है कि ये खड्डे बुझाने की परमिशन हमें दी जाए, और परमिशन देने की सबसे बड़ी वजह यह है कि राष्ट्रीय महामार्ग पर जिस तरह से बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, इन खड्डों में से ही नागरिकों को तकलीफ़ों का सामना करते हुए इन खड्डों में से जाना पड़ रहा है। शहर के स्टेट बैंक परिसर में और इसी के साथ में बाजार पेट में, राशन स्टेशन के करीब सिरसाड़ा चौक में ये बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं, और ये खड्डे बारिश की वजह से हो गए हैं। इनमें इन खड्डों में पानी जमा होने की वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोटरसाइकिल पर से कई लोग गिरते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मोटरसाइकिल पर जिन लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, कुछ लोग तो यहाँ पर खड्डों की वजह से गिर गए हैं। चैम्बर फूटने की वजह से यहाँ पर हर दिन एक्सीडेंट हो जाते हैं। ऐसी सूरत में इन खड्डों को बुझाने की परमिशन दी जाए, ऐसी मांग ही की गई है। इस खड्डों की वजह से रास्तों की दुरावस्था हो गई है, और त्रस्त नागरिकों ने तहसीलदार को निवेदन दिया। देश में जिस तरह से लोकप्रिय रास्ते मंत्री माननीय नितिन गडकरी इनकी जानिब से किए गए हैं, उसी के चलते परभणी जिले के सोनपेट तालुक की है, और पैसे जमा करके लोक वर्गनी से पैसे जमा करके इन खड्डों को बुझाने की कोशिश भी इन्होंने करने की बात कही है। इस वक्त निवेदन पर सुधीर बिंदु, कृष्ण पिंगड़े, माधव जाधव, सोमनाथ नागुरे इनके हस्ताक्षर है, और इन्होंने किस तरह की बात कही है। राष्ट्रीय महामार्ग पर BO 548 ये राष्ट्रीय महामार्ग पर जिस तरह से खड्डे हो गए हैं, खड्डे होने की वजह से हमें मुरुम लाने की परमिशन भी दी जाए, और इन परमिशन देने के बाद में यहाँ पर इन खड्डों को पूरी तरह से बंद करने की परमिशन दी जाए, ऐसी भी मांग इन लोगों ने की है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया मान्यवरों ने दी है और क्या मांगनी निवेदन के जरिए से तहसीलदार साहब इनसे की है। राष्ट्रीय महामार्ग 548B क्रमांक ह्या रस्त्याला खड्डे भरपूर पडलेले, तर मोटरसायकलवाले इथं पडत आहेत, तर रस्त्याचं शासनानं, केंद्र शासनानं लवकरात लवकर रस्ता
काम करावे। हा भाग क्रमांक 548B ह्या रस्त्यावर लई अनेक दिवसापासून अडचण येत आहे आणि पाणी जमा होऊन ग्राहकाला त्रास होऊन इथं गाड्या वगैरे स्लिप होतात। शासनाला नम्र विनंती आहे की लवकरात लवकर बजेट टाकून ह्या रस्त्याचं काम सुरू करावं। तसेच जसं शेळगाव परभणी रस्ता चालू केला त्यांनी, त्याप्रमाणे शहर कमीत कमी शहरात तरी रस्ता चालू करावा आणि शहराचा विकास करण्यासाठी मदत करावं शासन, हीच विनंती। तालुक्यातून जाणाऱ्या 548B या राष्ट्रीय महामार्गाची अतिशय प्रचंड दुरावस्था झाली। या महामार्गाचं काम गेल्या 7 वर्षापासून रखडलेलं आहे। नागरिकांना माहीत नाही की हे काम कशामुळे रखडलंय, राज्य शासनाकडे केंद्र शासनाकडे याचा निधी उपलब्ध आहे का नाही याच्याबद्दल शंका निर्माण झाली। हे काम गेल्या अनेक वर्षापासून रखडलेलं असल्यामुळं इथे छोटे मोठे अपघात रोजच होत असतात। या शहरातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या दुरावस्थेमुळे शहरातील बाजारपेठेवर व्यापाऱ्यावर त्याचा मोठा गंभीर दुष्परिणाम झाला आहे। शाळेत जाणाऱ्या मुलांनाही या रस्त्यांनी वागता येत नाही, कुणालाच या रस्त्यांनी नीट मार्गक्रमण करता येत नाही। त्यामुळं शहरातील नागरिकांनी हा रस्ता लोकवर्गणीतून दुरुस्त करण्याचं ठरवलं आहे। त्यासाठी आज आम्ही तहसीलदारांना एक निवेदन देऊन लोकवर्गणीतून मुरूम टाकून हा रस्ता भरवण्यासाठी आमची परवानगी मागितली आहे। आम्हाला आशा आहे की शहरातील नागरिक एकत्र येऊन लोकवर्गणी करून हा रस्ता चांगला मजबूत करतील व यातून यावरून नागरिकांना वाहतुकीची सुविधा उपलब्ध होऊन जाईल। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। परभणी शहर के जुना कारेगाव रोड और ओसी के साथ में वांगी रोड, धार रोड, हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी, पारवा गेट परिसर का जमजम कॉलोनी के एरिए में जिस तरह से रास्तों को दुरुस्ती करना बहुत ज़रूरी है। इसी के चलते गोविंद उत्तम राव गिरी महाराज जिला अध्यक्ष स्वराज्य इंडिया पार्टी परभणी कृषि सारथी कॉलोनी, इनकी जानिब से स्वराज्य इंडिया पार्टी की जानिब से परभणी के जिलाधिकारी इन्हें निवेदन दिया गया और निवेदन देने के बाद में ये मांग की गई है कि जो रास्ते ख़राब हो गए हैं उन रास्तों को दुरुस्त किया जाए। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है। इस वक्त जो निवेदन दिया गया, निवेदन देते समय गोविंद गिरी, गोविंद कामठे, नितिन सावंत, रेमोद्दीन अंसारी, नितिन देशमुख, तीन गोगलगावकर, इनकी जानिब से किस तरह की मांग की गई है आइए जानते हैं। आज परभणी शहराची एवढी बेकार अवस्था झालेली आहे रस्त्यांची की खड्ड्यात रस्ते आहेत त्या रस्त्यात खड्डे हेच समजणार। आज परभणीतले जे मुख्य रस्ते आहेत त्या मुख्य रस्त्यामध्ये उघडा महादेवापासून तर मोठ्या मारुतीपर्यंत आणि पारवा गेटकडं हाजी हमीद कॉलनी आहे, वांगी रोड आहे, दर्गा रोड आहे, धार रोड आहे, ह्या प्रत्येक भागामध्ये आज रस्त्याची एवढी बेकार अवस्था झालेली आहे आणि आज शासन याकडे दुर्लक्ष करत आहे आणि शासनाला वारंवार येथील स्थानिक समाजसेवकांनी निवेदन दिलेले आहेत तरी पण आज महानगरपालिका ही B&C कडे टोल सांगत आहे हे आमच्या याच्यात नाहीत, हे राष्ट्रीय महामार्गाच्या याच्यात येते। आज अपघात एवढे होते आहेत तरी सर्व नागरिक जर 15 ऑगस्टपर्यंत हे रस्ते जर किमान त्याची डागडुगी जरी नाही झाली तर 15 ऑगस्टला जे शासनाकडून हर घर तिरंगा ही मोहीम राबविण्यात येत आहे तसे हर घराच्या समोर खड्डा झालेला आहे पण हे खड्डे केव्हा बुजणार शासन। जर हे 15 ऑगस्टपर्यंत जर हे किमान डागडुगी मलमपट्टी जरी नाही झाली तर 15 ऑगस्टला परभणी शहरामध्ये भव्य तिरंगा रॅली निघाल, ह्या रॅलीची पूर्ण सर्वस्व जबाबदारी या रॅलीची ही शासनावर राहील। जे भारतीय स्वातंत्र्याची 75वी देशभरात चालू असताना इथे मात्र परभणीकरांचा सामाजिक समस्यांच्यासाठी ज्या बेसिक समस्या आहेत याच्यासाठीच आणखीन स्वातंत्र्याचा लढा चालू आहे असं म्हणावं लागेल। परभणीमध्ये कुठल्याही प्रकारच्या बेसिक सेवा सुविधा आणखीनही इथलं शासन प्रशासन देऊ शकलेलं नाही आहे। परभणीतला सगळ्यात महत्त्वाचा दरवर्षीचा जो प्रश्न असतो तो पावसाळ्यामध्ये परभणीला सगळ्या बाजूनी पाण्याचा प्रश्न उद्भवतो, इथले कुठल्याही प्रकारचे मोठे रस्ते आणखीनही दुरुस्त झालेले नाही आणि म्हणून 15 ऑगस्टच्या या सगळ्या स्वातंत्र्याच्या महोत्सवाच्या धर्तीवर परभणीमध्ये जनतेच्या उत्स्फूर्त सहभागातून आम्ही इथे एक आंदोलन उभं करत आहोत। इथल्या रस्त्यांच्यासाठी आणि बेसिक सेवा सुविधांच्यासाठी स्वराज इंडियाच्या वतीनं आम्ही इथल्या सगळ्या नगरातल्या आणि मुख्य रस्त्यांच्या बाजूच्या कॉलोन्यांच्या लोकांना आवाहन करतो आहे की आपण सगळ्यांनी 15 ऑगस्टच्या निमित्ताने या बेसिक समस्यांच्यासाठी रस्त्यावर यायचं आहे। स्वराज इंडियाच्या नेतृत्वाखाली जे काही सोशल वर्कर पुढे येत आहेत त्यांना आपल्याला साथ सहयोग द्यायचा, विशेषतः वांगी रोडचा प्रश्न अत्यंत बिकट आहे आणि म्हणून वांगी रोडच्या सगळ्या नागरिकांना किंवा MIDC ते मोठा मारुती रोड या कारेगाव रोडच्या सगळ्या नागरिकांना आम्ही आवाहन करत आहोत की आपण सगळ्यांनी या उत्स्फूर्त लढ्यामध्ये सहभागी व्हावं। धन्यवाद। सय्यद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। लोक श्रेय मित्र मंडळ की जानिब से शाहिद सिद्दीकी इनका भव्य सत्कार किया गया है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस के सोशल मीडिया के परभणी जिला अध्यक्ष पद पर इनकी निवड़ की गई है। लोकश्रेय मित्र मंडल की जानिब से इनका स्वागत किया गया है। ये निवड़ जिंतूर के माजी आमदार विजय भामड़े इन्होंने की है। शाहिद सिद्दीकी इनके सामाजिक कार्य को देखकर माजी आमदार विजय भामड़े साहब इन्होंने इनका शाहिद सिद्दीकी इनका जिस तरह से सोशल मीडिया के जिलाध्यक्ष के तौर पर इनकी नियुक्ति की है उसी के चलते लोकश्रेय मित्र मंडल की जानिब से शाहिद सिद्दीकी इनका सत्कार किया गया है। सैयद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। बादल भैया मित्र मंडल की जानिब से बाबर कॉलोनी कुरेशी कॉलोनी मुनीम कॉलोनी सात सैयद कॉलोनी और बागवान गली खाजा किराना परिसर महाड़ा कॉलोनी शांति निकेतन कॉलोनी परिसर के 0 से 5 साल की उम्र के लड़के और लड़कियों का ऐसे बच्चों का आधार कार्ड का काम यहां पर आधार कार्ड बनाना इस वक्त शुरू है। और जिस तरह से 3 दिन तक लगातार बादल भैया मित्र मंडल की जानिब से ये कैंप लिया गया है उन बच्चों के लिए उन नौनिहालों के लिए जो 0 से 5 साल की उम्र के बच्चे हैं जिन्हें स्कूल में दाखिला लेना है ऐसी सूरत में इन बच्चों का आधार कार्ड बनाने का काम इस वक्त किया गया है। इसमें नीरज धामनगावे जिला प्रकल्प व्यवस्थापक नरेंद्र आड़गावकर वरिष्ठ सहायक अभियंता छत्रपति शाला प्रिंसिपल मानिक दवंडे अतुल नेहते जिला समन्वयक आरिफ खान आधार ऑपरेटर उसी के साथ शेख अजीज उर्फ बादल भैया सैयद अनीस शेख रहीम शेख रफीक सैयद साहब ये भी इस वक्त मौजूद थे। जिस तरह से बादल भैया मित्र मंडल की जानिब से आधार कार्ड का काम लगातार 3 दिन तक शुरू है 22 जुलाई 2022 से 24 जुलाई 2022 तक 3 दिन का कैंप बादल भैया मित्र मंडल की जानिब से उन बच्चों के लिए लिया गया है जो बच्चे 0 से 5 साल की उम्र के बच्चे हैं। इन बच्चों को आधार कार्ड की सहूलत मुहैया कराने का काम बादल भैया मित्र मंडल की जानिब से किया गया है। सैयद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। परभणी जिला शिवसेना का बाले किला माना जाता है और उसी के चलते बाळासाहेब ठाकरे इनकी शिवसेना को किस तरह से परभणी जिले के लोगों ने सपोर्ट किया है किस तरह से यहाँ के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने 100 रुपये के हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने 100 रुपये के बॉन्ड पर शपथ पत्र लिख कर दिया है और माजी महाराष्ट्र राज्य के माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इनके पास तक ये 100 रुपये का बॉन्ड पेपर एफिडेविट करके पहुंचाया गया है कि हम लोग परभणी ज़िले के जितने भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं ये सब लोग बाळासाहेब ठाकरे इनकी शिवसेना से जुड़े हुए हैं। इस वक्त बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। आमदार परभणी के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी काविशों का नतीजा ये है और यही नहीं इनके अलावा परभणी के लाड़के खासदार संजय बंडू जाधव और परभणी के तमाम शिवसैनिकों की जानिब से शिवसेना को सपोर्ट करने का काम इन लोगों की जानिब से किया गया है। शिव अल्पसंख्यक सेल के जिलाध्यक्ष रामत खान और अब्दुल्ला राज इनके साथ में ही तमाम शिव अल्पसंख्यक सेल के तमाम पदाधिकारी इस वक्त मौजूद थे। ये न्यूज़ कवर की हमारे पर बनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी 24/7 माजा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी परभणी टुडे के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन इन्होंने मिलकर महू सैयद अखिल आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम टेलीग्राम व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत जय हिंद। सैयद बिल्डर यांचे महालक्ष्मी नगरी धर्मापुरी तालुका जिल्हा परभणी प्लॉट विक्री सुरू आहे। उपलब्ध सुविधा एनए लेआउट प्लॉटिंग शी अत्याधुनिक सुविधांसह सुसज्ज रम्य नगरी एनए लेआउट असल्याने बँकेकडून तात्काळ कर्ज सुविधा उपलब्ध प्रत्येक प्लॉटची दिशा पूर्व पश्चिम एलईडी स्ट्रीट लाईट ची व्यवस्था निसर्गरम्य व भव्य गार्डन अंतर्गत 50-40-30 फूट मजबूत डांबर रोड व सीसी नाली विद्युत पुरवठा व स्वतंत्र डीपी व्यवस्था धर्मापुरी पासून 500 मीटर अंतरावर प्लॉट जवळच शाळा आणि कॉलेज उपलब्ध संपर्क हाजी शोएब 8885847777 सय्यद इम्रान 9421867786 ॲडव्होकेट आशिष सोनी 9422178888 अब्दुल रझाक 7057818999
एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में, ग्राहक की खुशी यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 98812901190। मिर्जा मेस परभनी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुफ्त लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।